क्या भावना है? दो विघाट वाली भावना कि वाशरमैन है तो प्रैक्टिकल में होना चाहिए ना। वेद के वस्त्र हैं तो इन वेद के वस्त्रों को साफ करने वाला वेद का जो वाशरमैन धोबी है, जिसको सुप्रीम सोल ने ही स्वीकार किया है कि मैं वेद का वाशरमैन भी हूं, वेद का धोबी हूं, तो संघ के रंग से कपड़े साफ होंगे या बिना संघ के रंग के साफ होंगे? संघ के रंग से ही साफ। खास उन आत्माओं के, जिन आत्माओं ने 63 जन्मों में ज्यादा विकारी सुख भोगा है, उस आत्मा के साथ। अरे सच रूपी रंगमंच का हीरो है तो पुरुष का जन्म लिया होगा या नहीं लिया होगा? और राजयोग में महारथी ही नहीं, क्या है, महारथी से भी ऊंचा कौन होता है? है महारथी से भी ऊंचा कौन होता है? अरे एक होता है प्यादा, एक होता है घुड़सवार, एक होता है ऊंट सवार, एक होता है महारथी हाथी सवार, और एक होता है महावीर। तो जो महावीर का पार्ट बजाने वाला है वो कौन सी महावीरता है? हद की महावीरता तो हिंसा की होती है, जो हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर आदि ने दिखाई। लेकिन भगवान तो हिंसक युद्ध कराता है या अहिंसक युद्ध कराता है? अहिंसक युद्ध कराता है। गीता में ही बोला है, हे अर्जुन ये काम विकार को मार दे, जही एनम पापमानम, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से पैदा होते हैं, इनको नष्ट कर दे। तो देखो भगवान ने कोई किसी व्यक्ति को हिंसा करने की बात नहीं कही है गीता में, भगवान ने तो ये कहा है ये जो काम महाशत्रु है इसके ऊपर जीत पाए, इसको भस्म कर दे, राख बना दे। और शास्त्रों में ये बात प्रसिद्ध है कि कामदेव को किसने भस्म किया, राख बनाया है? कहते हैं शंकर ने राख बनाया। तो जब राख बनाया तो काम को भस्म किया, अपने अंदर के कामदेव को भस्म किया कि कोई बाहर का देवता था जिसको भस्म किया? अपने अंदर के काम को भस्म किया। और वो तो मुख्य डकैत है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मंडली है डकैतों की। उस मुखिया को नष्ट कर दिया तो सब अपने आप भाग खड़े होंगे। इसलिए कहा जाता है काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते, कौन सी इंद्रिय, काम इंद्रिय जीते जगत जीत। फिर उस काम इंद्रिय जो दसों इंद्रियों में से सबसे प्रबल होती है मनुष्यों को जीतने में, उन दसों इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाला मन, ग्यारहवें इंद्रिय, तो उसके लिए भी बोला है मन जीते जगत जीत। और मन के अंदर ही माया प्रवेश करती है, माया जीते जगत जीत। तो यहां की बात है वो जो व्यक्तित्व है जो मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर नई सृष्टि रचने के लिए प्रैक्टिकल में बाप है,
प्रैक्टिकल में साकार मनुष्य सृष्टि का पिता है। साकार स्वर्ग का रचयिता है, वो स्व स्वर्ग वो ही रच सकता है जो स्वयं स्थिति में गए गया, देवान में रहा तो स्वर्ग नहीं रच सकता। तो वो शिवलिंग यादगार है,